झारखंड में इन दिनों जमकर ठंड पड़ रही है। आसमान पर घना कोहरा है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। असर सड़कों पर, परिवहन सेवा पर पड़ रहा है। वहीं विमान परिचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई ट्रेनें कोहरे की वजह से रद्द हैं। झारखंड के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे है। रांची से सटे मैकलुस्कीगंज में पारा 2 तो हजारीबाग के मासीपीढ़ी में -0.5 डिग्री तक है। यहाँ सुबह ओस बर्फ बन गए। ठंड का असर देखिए, मैकलुस्कीगंज में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया, हजारीबाग के मासीपीढ़ी में -0.5 डिग्री पारा, और यहां तो ओस जम गई बर्फ की तरह। इसके साथ ही साथ कोहरा भी है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पर, परिवहन सेवा पर असर पड़ा है। विमान सेवा प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। और सहयोगी सत्व्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्व्रत, देखिए ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड का असर ये है कि कितनी जगह तो पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। खासकर मैकलुस्कीगंज की बात करें तो यहाँ तो बर्फ की चादर देखने को मिली है। लेकिन ठंड के साथ साथ जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो कोहरा है, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। और इसका असर सड़क परिवहन, विमान सेवा और ट्रेन परिचालन पर भी दिख रहा है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि कोहरे का जो कोहराम है वो राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। और पूरे राज्य झारखंड की अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में जो ठंड है उसका प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। हजारीबाग के मासीपीढ़ी में राइस मिल मैदान में जो है वो पारा जो है वो 0.5 यानी कि माइनस से भी कम दर्ज किया गया है। दरअसल उस मैदान के आसपास जो झाड़ियाँ थी, जो पुआल था और जो पत्तों पर ओस की पानी जमती है वो दरअसल बर्फ में तब्दील हो गया। यानी कि हजारीबाग के जो है वो कुछ इलाकों में जो है वो माइनस जो है वो पारा पहुंच गया। और फिलहाल कोहरे का जो असर है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। अमूमन देखिए 8 बजने को है और इस वक्त राजधानी रांची की अगर बात करें तो जो धूप है वो निकल जाता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में सीधे दिखाता हूं कि आप देखिए कि राजधानी रांची में कोहरे का जो चादर है वो पूरी तरह से छा चुका है। और वैसे में सबसे ज़्यादा परेशानी खासकर उन स्कूली बच्चों को, उनके अभिभावकों को करना पड़ता है जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जब मैं कार्यालय पहुँच रहा था उस दौरान कई जगहों पर जो बस स्टॉप हैं जहाँ पर विभिन्न स्कूलों की बस पहुँचती हैं वहाँ काफ़ी संख्या में जो छोटे बच्चे थे वो पहुँचे थे ताकि वो बस के माध्यम से अपने स्कूल जा सके। तो खासकर उन बच्चों को थोड़ी परेशानी इस कुहासे के कारण हो रही है। साथ ही उन लोगों को भी ज्यादा दिक्कत हो रही है जो कि वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। सड़कों पर लोगों को अपने वाहनों का हेडलाइट जो है वो जलाकर चलना पड़ रहा है विजिबिलिटी के कारण, चाहे वो राजमार्ग हो या फिर रेलवे मार्ग हो या फिर एयरपोर्ट हो, उन सभी वाहनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण जो है वो सड़कों पर लोगों की संख्या कम हो गई है, जबकि अमूमन अगर कल की ही बात करें आरती तो इस वक्त जो है वो राजधानी रांची में सुनहरा धूप जो है वो निकल चुका था। और वैसे में अब जब कोहरे ने पूरे राजधानी रांची को जो है वो छा गई है, वैसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खासकर उन लोगों को जो कि अहले सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भी संख्या कम हुई है। और लगातार इस तरह के लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर इस तरह का घना कोहरा रहे तो वो अपने घरों में ही रहने की कोशिश करें। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है
तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो कोशिश करें कि आप अपने घरों में रहें। फिलहाल जो ठंड अभी आ रही है आरती, वो काफी ठंड आ रही है, हवा में जो है वो शीतलहरी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अचानक से पारा जो है वो काफी कम हो गया है और वैसे में लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। मैस्कलुक्सीगंज की बात करें, कांके की बात करें, गुमला की बात करें, लोहरदगा लातेहार जिला की बात करें, तो राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रहा है और राजधानी रांची पूरी तरह से कोहरे के कोहराम में जो है वो एक चादर, कोहरे का जो चादर है वो पूरी तरह से राजधानी रांची में छा गया है। फिलहाल जरूरत है कि ठंड को देखते, इस मौसम को देखते हुए जो मरीज हैं, जो लोग हैं, वो अपना विशेष ख्याल रखें, खासकर वैसे लोग जो कि पुराने बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो कम से कम ठंड के इस मौसम में, कुहासे के इस मौसम में कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहें। अगर कोई महत्वपूर्ण काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। आरती, बिल्कुल। और देखिए, इस वक्त सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, खासकर बुजुर्गों का और बच्चों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये राजधानी रांची की हैं, ये कोहरे में लिपटी हुई राजधानी और कमोबेश झारखंड के सभी जिलों का यही हाल है। पारा लुढ़का है और कई जिलों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। हजारीबाग में तो कुछ इलाकों में माइनस में पारा चला गया है और यहां पर बर्फ की बूंदे नजर, जो ओस की बूंदे हैं वो बर्फ के तौर पर नजर आ रही हैं, जम गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।